ये मॉडल्स का देखो, मॉडल्स में तो इतना है नहीं, जैसे अगर मुझे ये पुराना भी हुआ तो एक बेसिक चीज़ें बता दूं मैं तो। इधर पे मैंने इसको रेफरेंस एज अ रेफरेंस ले लिया, एट ए पॉली के कट कर दिया, ऐसे ही नाप लेता हूँ कुछ रैंडम साइज़। तो उसको मैंने क्या किया, इधर से रिंग किया, उसको अंदर बीवेल किया, अंदर एक्सट्रूड किया, अंदर एक्सट्रूड करने के बाद कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर अभी मैंने सेम इसी साइज़ का एक और इधर पे कॉपी कर लिया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉपी ले लेता हूँ, सेम एक ऑब्जेक्ट कॉपी ले लिया, ठीक है। अभी इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मैं कर दूंगा एक्सट्रूड या फिर सेल कर लूँगा ताकि ये मोटा हो जाए। मैं अलग से बॉक्स भी बना सकता हूँ मगर उसमें मैं टाइम जाता, अलग से मैं इसको मेज़र करके भी बॉक्स बनाना पड़ता, तो मैं टाइम को बचाते हुए इधर पे अलग से इसको डाल दिया। थोड़ा मैंने इसको अलग से क्यों बनाया, ताकि अलग से स्टोरेज दिखे कि वो स्टोरेज है अलग से, क्योंकि रियल लाइफ में भी स्टोरेज रहता है, उसके थोड़े से ग्रूव्स तो दिखते हैं, इस तरीके से ग्रूव्स बने तो उसके लिए मुझे अलग से स्टोरेज बनाना पड़ा। स्टोरेज का जो डोर होता है वो अलग से गैप में दिखे अच्छे से, ठीक है। तो अभी इधर पे बोला गया गैप तो है नहीं, इधर पे थोड़ा सा ऊपर है, तो ठीक है नो प्रॉब्लम, इसको भी हम लोग ऊपर कर लेंगे, यानी कि इसको भी इतना हम लोग सेलेक्ट करके इसको सेम उसी लेवल पे एक्सट्रूड कर लेंगे, ठीक है। और जो इसको टॉप से थोड़ा सा एडिटेबल पॉली करके थोड़ा सा गैप हल्का सा दे देंगे ग्रूव के लिए, ताकि ग्रूव भी बना रहे लाइक दिस, ऐसा आपका ग्रूव भी बन गया, ये भी बन गया, इसका कॉर्नर भी बन गया, ये भी सारी चीज़ें हो गई। हैंडल का क्या है कि हम लोग चाहे तो बॉक्स से भी बना सकते हैं, बोले बॉक्स तो दिख रहा नहीं है, वो बॉक्स से कैसे होगा। बॉक्स से बनाने के लिए क्या रहता है कि अगर हैंडल जैसा जैसा वो दिख रहा है वैसा क्रिएट करना है हमें, जैसे बोलता है ना स्पूज जैसा, जो मैं ऑर्डर मॉडल बनाता हूँ मैं हमेशा पॉली का यूज़ करता हूँ, ना ही मैं लाइन का यूज़ नहीं करता हूँ। इस तरह से जो स्मूथ वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, गोले वाले, डॉल टाइप, तो ये सब मैं हमेशा सही बनाता हूँ पॉली से, ठीक है। तो इधर पे मैं उसी का यूज़ करूँगा, एटे पॉली यूज़ करूँगा। पॉली के ज़रिए पहले मैंने इधर पे इसको एक्सट्रूड किया, एक और एक्सट्रूड किया, फिर जो बीच वाला पार्ट है मैंने इसको कर दिया अंदर लाइक दिस, बाकी जो ये वाला पार्ट है मैंने इसको कर दिया बड़ा, और इसको कर दिया, इसके बीच में एक और कर दिया रिंग, इसके बीच में डाल दिया एक कनेक्ट, इधर पे मैंने कर दिया रिंग रिंग, इसके बाद में कर दिया कनेक्ट, इसको ऐसे, इसको ऐसे, पहले कर लो स्मूथ, देखते हैं, देख तो लेते हैं स्मूथ करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी कुछ ऐसा आ रहा है, इसको एनेबल कर देते हैं शोकेस को। फिर यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको पतला कर सकता हूँ, मोटा करना है तो मॉडलिंग करने में क्या टाइम जाता है, उतना टाइम होना चाहिए मॉडलिंग के लिए हमारे पास, और एक चीज़ 5 मिनट नहीं बनती भाई, उसके लिए टाइम लगता है। अच्छे से मोटा मोटी ऐसे कुछ है हैंडल, ठीक है, वो लोग काफ़ी बड़ा बन गया, स्केल करके छोटा कर लेंगे हम लोग, काफ़ी डिटेल में करना टाइम जाएगा उसके लिए, समझ लो ऐसे कुछ हैंडल है। अभी है कि ये जो टेक्सचर्स है, ये उसे बोलते हैं टेक्सचर है ये, ओके। अभी इस तरह का टेक्सचर आपके पास होना चाहिए, अभी जैसे ऊपर नीचे इतना हुआ है, हुआ पड़ा है, ये सब सारी चीज़ें हुई पड़ी है इसमें, ये टेक्सचर होना चाहिए। वैसा कोई टेक्सचर तो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है क्या, कुछ कुछ इसके जैसा तो दिख रहा है, और ये उल्टा है ना शायद से, इसकी व्यू में मैपिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मोटा टेक्सचर होना चाहिए, तो इसके टेक्सचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी ऐसा दिखने वाला टेक्सचर मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार, अभी ये मैप मिल गया अपने को, ठीक है। पहले तो इसके अंदर मैं एज अ मैप अप्लाई करता हूँ, जैसे कि ये ऐसा है, अगर ये इसका सीमलेस मिलता तो उसको उल्टा कर लेते तो सीमलेस हो जाता, तो चलो चलो ठीक है, बड़े पैच में करना पड़ेगा हम लोग को, जो भी है बड़े बड़े पैच में करना पड़ेगा। फिर अभी इसमें मुझे क्या करना होगा, इसको एक बार कर लिए यहाँ पर बम्प करके देख लेते हैं, बम्प में भी क्या करेंगे, इसको कर देंगे रिवर्स, आउटपुट में जाएंगे रिवर्ट कर देंगे, देख सकते हो, और इसको कर देंगे क्लियर, और देखो ऐसे होलो आ जाएगा अंदर, ठीक है। और भी होलो करना है तो मैं इसको डाल दूंगा डिस्प्लेस पे, डिस्प्लेस पे इसको दे दूंगा 1 वैल्यू, 1 वैल्यू काफ़ी है, 1 से 2 काफ़ी है, 2 भी ठीक है। एक बार रहना करके देखते हैं तो कैसा बन रहा है, देख सकते हो मुझे और भी होलो चाहिए, तो मैं यहाँ पर से इसके बम को बंद करके 3 तक की वैल्यू कर सकता हूँ। अब इसको आपको मैंगो चाहिए या जो भी चाहिए आप उस कलर में आप ले सकते हो,
ऐसे ये जो टेक्सचर हुआ मैंगो कलर, कलर को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपको मैंगो बनाना है, जो भी बनाना है वो कलर में कर सकते हो। अभी यहाँ से ये फट रहा है, देख सकते हो, ठीक है। इसमें आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, वीरे डिस्प्लेस, वीरे डिस्प्लेस मैप, डिस्प्लेसमेंटल मैप। इसमें वो मैप है जो टेक्सचर हमने अभी लिया था, उस टेक्सचर को हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला टेक्सचर इसको यहाँ पर करना पड़ेगा स्टेंस, और बाकी सब तो टिप कंटिन्यूटी पे अप्लाई करना होगा। और अभी देखते हैं, तो देखो पूरा अच्छे से आ रहा है मिक्स। ओके, सेव एज इमेज, तो यहाँ पर आ गया। तो वही टेक्सचर को मैंने यहाँ से पिक किया, मैंने टेक्सचर लिया हूँ, सिर्फ कलर लिया हूँ, वो जो मैंने इसके बम्प वगैरह दिए थे मैंने कहीं और दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखते हो वैसा मैंगो कलर में यहाँ पर टेक्सचर आ गया, मिक्स मैंगो कलर जैसा आपको चाहिए, तो उस तरीके से कलर्स में आपको यहाँ पर आ जाएगा। pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।